कब कोई संदेश मिलेगा, कब कोई आभास होगा मुझे। ध्वनि कैसी है? आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारे व्यक्तित्व में पावन भक्ति की ऊर्जा से भरी उज्जवल कांति है, तो तुम्हारा पति भी दैविक तेज से परिपूर्ण होगा, देवता समान होगा। कौन है? आपका नाम क्या है? अनिरुद्ध। उषा पत्री उठो। अब देर मत करो पुत्री, पूजा के लिए पुष्प लेने जाना है ना।
पुत्र, तुम्हारे मित्र आखेट पर जाने के लिए तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कल स्वप्न में उनका नाम तो नहीं जान पाई, लेकिन उनकी छवि मेरे मन में स्पष्ट रूप से अंकित हो गई है और मुझे पता है कि उन्हें ढूंढने में मुझे किससे सहायता मिलेगी, कलाकार चित्रलेखा से। यहाँ तो बहुत सारे द्वार हैं, अब मैं किस द्वार से प्रवेश कर आगे बढ़ूं? चित्रलेखा जी एक कलाकार है, ये सारी कलाकृतियां उनकी ही होंगी। ये क्या हुआ? मैं तो फिर से वहीं पहुंच गई। इस द्वार से जाकर देखती हूं। यहां से आने का भी कोई लाभ नहीं। नहीं, प्रभु श्री गणेश जी ऐसा कभी नहीं होने देंगे। मैं ध्यान से देखूंगी तो वो मेरी सहायता अवश्य करेंगे। इस पड़ाव को पार करने के लिए मुझे बुद्धि का ही प्रयोग करना होगा। मेरे आराध्य श्री गणेश जी का विशाल मस्तक बुद्धि का ही तो प्रतीक है, मैं उन्हीं से सहायता मांगती हूँ। ओम बुद्धि प्रियाय नमः, ओम बुद्धि प्रियाय नमः। हे बुद्धि के दाता, मेरी सहायता कीजिए। हे बुद्धि के दाता, मेरी सहायता कीजिए। प्रभु, मेरी बुद्धि को इतना सामर्थ्य दीजिए कि मैं इस पहेली को सुलझा सकूं। सूर्यदेव की किरणों का प्रभाव बढ़ रहा है, किंतु इन द्वारों की तो कोई छाया ही नहीं है। इसका तो यही अर्थ है कि यही है असली द्वार, बाकी सब नकली है। हे प्रभु श्री गणेश, हे बुद्धि के देवता, मेरी सहायता के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मेरी सहायता के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। कोई है? कोई है? कोई है? कोई है यहाँ? कोई है यहाँ? चित्रलेखा जी, यहाँ तो बस अंधकार ही अंधकार है। मुझे बताने की कृपा कीजिए कि मैं यहाँ से कहाँ जाऊँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इस पड़ाव में दृष्टि काम ही नहीं कर रही है और मेरे ही शब्द मुझे वापस सुनाई दे रहे हैं। हे गजानन, अब आप ही कुछ सुझाइए, अब आप ही कुछ सुझाइए।
ओम नमस्ते गणपते। प्रभु, आपका एक नाम तो सुपकर्ण भी है। आपके कर्ण की ये विशेषता है कि आप मध्यम से मध्यम स्वर को भी बड़ी सरलता से सुन लेते हैं, अर्थात यहाँ से आगे जाने का मार्ग सुनने से ही मिलेगा। ओम शुभ गुण कानना शूर करना सुरो करना विघ्न हरता श्री गणेश। मुझे इस अंधकार से निकलने में मेरी सहायता कीजिए प्रभु, मेरी सहायता कीजिए प्रभु, मेरी सहायता कीजिए प्रभु। ओम विघ्न हरता श्री गणेश। ओम विघ्न हरता श्री गणेश। ओम विघ्न हरता श्री गणेश। इस दिशा से मेरे शब्द वापस नहीं आ रहे हैं, अर्थात यही मेरा मार्ग है। धन्यवाद प्रभु। रुको, वही रुको। तुम्हें संभवतः पता नहीं, एक असुर पुत्री होने के नाते इस स्वर्ग लोक जैसे स्थान में होने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। तुम्हारा विवाह उससे होगा जो देवता समान होगा, ये तुमने सोच भी कैसे लिया? ओम लंबोदराय महोदराय। ओम लंबोदराय महोदराय। प्रभु, इस पड़ाव को पार करने में मेरे मार्गदर्शक बनने की कृपा कीजिए। राक्षस कुल में भक्त प्रह्लाद, महान दानवीर राजा बलि भी हुए हैं। मैं असुर वंशी हुई तो क्या हुआ? महादेव और माता पार्वती के नंदन, प्रथम पूज्य श्री गणेश जी के भक्त हूँ और उनकी कृपा सदैव अपने भक्तों पर रहती है। कैसा भयंकर स्थान है। क्या हुआ राजकुमारी, लौट जाना चाहती हो तो चली जाओ, किंतु स्मरण रखना एक बार लौटने पर फिर यहाँ आने का अवसर नहीं मिलेगा। प्रभु, आपका ध्यान क्यों भंग हुआ? प्रभु द्वारा मुझ जैसे प्राणी को शरण देने के बाद यदि किसी ने मेरे प्रति विनम्रता दिखाई है तो वो आप हैं जिन्होंने मुझे इतने सम्मान से मूषक महाराज पुकारा। जो महादेव के पुत्र हैं पार्वती नंदन है, उन्होंने एक मूषक को अपना वाहन बनाकर अपनी विनम्रता उदारता का परिचय दिया है, तो भला मैं कीचड़ में पांव क्यों नहीं रख सकती? सिंदूर वर्ण
ओम नमः गुणिना खुर्था, ओम नमः गुणिना मूषकवाहन। मुझे इस पड़ाव में पार करने के लिए मेरी सहायता कीजिए प्रभु। मुझे इस दिशा में जाना चाहिए। यहाँ इस धधकते लावा में तो आगे बढ़ना असंभव है। गणेश जी ने अपने कर्तव्य के लिए एक दंत न्योछावर कर दिया, किंतु असफलता स्वीकार नहीं की तो उनकी भक्त विफलता कैसे मान सकती है। चित्रलेखा जी, आप कहाँ हैं? मैं बड़ी आशा से सब बधाएं पार करके आप तक पहुंची हूँ। मुझे दर्शन दीजिए, सामने आने की कृपा कीजिए। तुम सफलतापूर्वक यहाँ तक पहुंची, इससे मैं बहुत प्रभावित हूँ। हर एक बाधा तुमने श्री विघ्नहर्ता गणेश जी की विशेषताओं का स्मरण कर पार किया, ये अद्भुत है। उनकी तीव्र बुद्धि, उनकी स्मरण शक्ति, उनकी सहनशीलता, उनकी विनम्रता, किसी भी परिस्थिति में पराजय स्वीकार ना करने की इच्छा शक्ति रखकर, भक्ति का भाव रखकर यहाँ तक पहुँची हो, केवल अपने प्रेम को पाने के लिए। हाँ चित्रलेखा जी, मैं यहाँ अपने जीवन साथी का नाम जानने आई हूँ। हमारे भाग्य तो एक दूसरे से जुड़े हैं, इसका संकेत तो प्रभु श्री गणेश जी ने भी दिया है। इसलिए स्वप्न में ही उन्हें निहारते हुए ऐसे लगा जैसे उनके साथ जन्मों का बंधन हो। तब इससे पहले मैं तुम्हारे लिए कुछ करूं, तुम्हें अपने प्रेम की परीक्षा देनी होगी। तो मुझे बताइए कि वो कौन है जिन्हें मैं अपना सर्वस्व समर्पित कर चुकी हूँ, उनका नाम क्या है? मैं इसका उत्तर ढूंढने में तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगी, किंतु तुम्हें मुझे उनके बारे में कुछ जानकारी देनी होगी। आओ मेरे साथ। तो बताओ वो दिखने में कैसे हैं? जैसे कोई बलशाली योद्धा हो। भयंकर असुर योद्धा या? नहीं, वो तो त्रिदेव के अवतार लगते हैं। प्रभु श्री गणेश जी ने भी कहा था वो देवता समान होंगे। फिर क्या वो ऐसे दिखाई देते हैं? वो नारायण तो नहीं थे, ये तो मैं जानती हूँ, किंतु उनके मुख पर मुस्कान बिल्कुल नारायण जैसी ही थी। अर्थात
वो नारायण के संबंधी हैं, उनके ही कोई वंशज। तो क्या वो ऐसे हैं? हाँ, वो धनुर्धारी तो है। ऐसी? हाँ, उनकी आंख, ओठ, मुस्कान सब इनके जैसी ही थी, और आंखों में शरारत भी बिल्कुल ऐसी। अर्थात ऐसे आकर्षण वाला मुख तो श्री कृष्ण के कुल में ही संभव है। तो ये है वो राजकुमार जो स्वप्न में आकर तुम्हारे हृदय में बस गए हैं। इनका नाम अनिरुद्ध है। इनका नाम अनिरुद्ध है। इनका नाम अनिरुद्ध है। प्रभु श्री कृष्ण के पौत्र हैं, तो उनसे मेरी भेंट कब कराएंगी आप? आपने वचन दिया था, उसे पूरा करेंगी ना? मुझे उनसे मिलाएंगी ना? मैंने वचन तो दिया था, किंतु लीलाधर है श्री कृष्ण, मैं उनके पास जाकर इन्हें वहां से कैसे लेकर आऊंगी? तो शायद मेरे भाग्य में उनसे मिलना लिखा ही नहीं है। तुम्हारे भाग्य में ना होता तो मैं भला वचन क्यों देती? मैं अपना पूरा प्रयास करूंगी, किंतु उसके लिए मुझे तुम्हारे ही समान श्री विघ्नहर्ता गणेश का आशीर्वाद चाहिए। यदि उनसे तुम्हारी भेंट नियत है तो विघ्नहर्ता अवश्य सहायक बनेंगे। अब क्या होगा प्रभु? देवी चित्रलेखा ने उचित कहा, जब तक प्रभु श्री कृष्ण का ध्यान अनिरुद्ध पर रहेगा उन्हें वहां से लाना कठिन होगा, किंतु देवी उषा और अनिरुद्ध की अभी भेंट होना आवश्यक है, अन्यथा नरकासुर के पापों के अंत में और देर होगी। नरकासुर का डर अब तक सभी राजकुमारियों पर छा चुका होगा। जाओ जाकर देखो। तुम चिंता मत करो उषा, तुम अपने घर जाकर प्रतीक्षा करो। मैं अपनी माया का प्रयोग कर तुम्हारा प्रयोजन सिद्ध करने का पूरा प्रयास करूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे युक्ति का प्रयोग करना होगा जिससे प्रभु श्री कृष्ण का ध्यान अपने पौत्र पर ना रहे। किंतु आप ऐसा क्या करेंगे प्रभु? भक्ति के आगे सभी प्रयास फीके पड़ जाते हैं। मैं श्री कृष्ण की भक्ति करूंगा, भक्ति भाव से उनकी स्तुति करूंगा। ओम कृष्णाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं द्वारका तो पहुंच गई, बस अब किसी प्रकार भीतर जाना है।
इनका नाम अनिरुद्ध। मिल गया द्वार। यहां तो स्वयं श्री कृष्ण विराजमान है, यहां तो स्वयं प्रभु श्री कृष्ण विराजमान है। ऐसे में मैं अनिरुद्ध को लेकर नहीं जा सकती। नारायणं गदाध्यक्षं गोविंदं कीर्तिभाजनं गोवर्धनोद्धरं देवं भूधरं भुवनेश्वरं प्रभु श्री कृष्ण पर तो मेरी स्तुति का कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। फिर कैसे होगा उषा और अनिरुद्ध का मिलन, जो नरकासुर के अंत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ओम कृष्णाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरी पूजा प्रभु तक क्यों नहीं पहुंच रही है? गणेश जी इतनी देर से प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, किंतु उन्होंने अभी तक दर्शन क्यों नहीं दिए? कहीं प्रभु की योजना विफल हुई तो फिर चित्रलेखा कैसे सफल होगी? और वो न हुआ तो हम बाणासुर के शोणितपुर में ही रह जाएंगे। प्रभु को मेरे यहाँ होने का आभास हो गया, वो और सतर्क हो गए। हमारे भाग्य तो एक दूसरे से जुड़े हैं, इसका संकेत तो प्रभु श्री गणेश जी ने भी दिया। हे प्रभु गणेश जी, मेरी सहायता कीजिए। मुझे एक निष्ठ होकर एकाग्रता से प्रभु की भक्ति करनी होगी। तो शीघ्रता कीजिए, इससे पहले कि प्रभु श्री कृष्ण वहाँ चित्रलेखा को देख ले। विघ्नहर्ता श्री गणेश, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए हे प्रभु गणेश जी। श्री कृष्ण गोविंदाय वासुदेवाय नमः। 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 लगता है प्रभु ने मेरी सुन ली। प्रणाम प्रभु। प्रणाम प्रभु। प्रभु, अंततः मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए। हाँ पार्वती नंदन गणेश, किंतु मुझे बुलाने के लिए इस आराधना की क्या आवश्यकता थी? संदेश भिजवा देते तो मैं वैसे ही आ जाता। कार्य बहुत आवश्यक था, संदेश भिजवाने का समय नहीं था प्रभु। अच्छा, ऐसा क्या कार्य था? वो कष्ट में है प्रभु,
मुझे उन राजकुमारियों की चिंता हो रही है। प्रतिशोध की अग्नि में नरकासुर धरती की सभी निर्दोष राजकुमारियों की आहुति देना चाहता है। उनकी पीड़ा, उनके कष्ट का ज्ञान है मुझे, किंतु समय से पहले तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। आपके समान मैं भी तो नियति से बंधा हूँ। अब इन्हें यहाँ से उषा के पास ले जाती हूँ, किंतु कैसे? अब मेरे प्रस्थान का समय है। रुकिए प्रभु, आपके दर्शन से मेरा जी अभी भरा नहीं। मेरी आँखों को तृप्ति तभी मिलेगी जब मैं आपकी मुस्कान, आपके कमल नयन और आपके मनोहर रूप को ठीक से निहार लूंगा। कान्हा, गोविंद, कन्हैया, माधव, श्याम, अच्युत, द्वारिकाधीश, श्याम सुंदर, हरि, विष्णु, ऋषिकेश, जगन्नाथ, कंजलोचन, मोहन, मुरलीधर, नारायण, साक्षी गोपाल, मथुरानाथ, बैकुंठनाथ, आपके इन अनंत नामों की भांति आपकी लीला भी अनंत है। आपके भक्त जिस नाम से आपको पुकारते हैं, आप उसी रूप में दर्शन देते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और तो और प्रभु, आपकी मधुर वंशी की ध्वनि का अद्भुत सम्मोहन है। बस गणेश जी बस, आपका कार्य संपन्न हो चुका है, अब मुझे यहाँ रोकने की कोई आवश्यकता नहीं है। जी, जो आप चाहते थे वो हो चुका है। आपको पता था प्रभु, हरि अनंत हरि लीला अनंता, ये मैं क्या कर रहा था? जिन्होंने अपनी लीला से संसार को मोहित किया है, उनसे लीला करने का प्रयास कर रहा था, किंतु ये भी तो आपकी ही लीला है प्रभु। जो हुआ उसका होना अनिवार्य था, इसलिए मैंने उसे होने दिया। नियति के बहाव को आगे बढ़ने के लिए जो भी महत्वपूर्ण होगा उसमें मैं सदा सहायक बनूंगा। वहां वृक्ष के पीछे कौन हो तुम? चलो देखते हैं। यह तो बस चित्र है, किंतु सतर्क हो जाओ, लगता है किसी की माया है ये। प्रभु, मैं चाहता था चित्रलेखा अपने कार्य में सफल हो, किंतु मेरी वास्तविक इच्छा तो उन राजकुमारियों को नरकासुर से मुक्त कराने की है, उनके कष्ट को दूर करने की है। माता कामाख्या से अपने प्रतिशोध को पूरा करने के लिए नरकासुर धरती की इन सभी निर्दोष राजकुमारियों से विवाह कर उनका जीवन नष्ट करना चाहता है। मेरी माया भी नहीं, इन्हें ताड़ना देने की जगह इनकी सुरक्षा कर रही है। मेरे हाथों का खिलौना मुझे ही चुभा है, मेरे कारण ही तुम सभी का अस्तित्व है और मेरे ही आदेशों का पालन नहीं कर रही हो, किंतु मैं ऐसा होने नहीं दूंगा।
सी माया का प्रभाव है ये जो मेरे प्रहार को इन्होंने अपने ऊपर ले लिया। मैंने अपनी माया से तुम्हें बनाया था और अपनी माया से ही तुम्हें नष्ट भी करूंगा। मेरी मायाविनी जो तुम्हारी ढाल थी वो तो नष्ट हो गई। अब तुम्हारे पास केवल एक ही उपाय है, ध्यान छोड़ो और विवाह का जोड़ा उठाओ और मुझसे विवाह करने के लिए तैयार हो। ध्यान छोड़ो और विवाह का जोड़ा उठाओ और मुझसे विवाह करने के लिए तैयार हो। नरकासुर के क्रोध को जगाने का परिणाम ही जाति हो। अब देखता मेरी अग्नि का ताप अधिक देर रहता है या तुम्हारा तप। टूटेगा, अवश्य टूटेगा तुम्हारा ये तप। मूर्ख नरकासुर, ये राजकुमारियां तो प्रभु के ध्यान में थी, किंतु इनके ध्यान को तप बनाने का कार्य तुमने किया है, जिसका ताप तुम्हें अवश्य सहना होगा।